Now student, in this video I will explain about mixtures. Okay, we have completed that elements and compounds. Okay, so this is your last topic, mixtures. So first of all I will explain about mixture. Ki mixture hota kya hai? A mixture is an impure substance made up of two or more elements or compounds mechanically mixed together in any proportion. कि मिक्सचर क्या है, बेसिकली इम्प्योर सब्सटेंस है. जैसे मैंने एलिमेंट एंड कंपाउंड के बारे में आपको बताया था, वो कैसे सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस है, बट जो मिक्सचर है वो इम्प्योर सब्सटेंस है. और किससे मिलकर बना होता है, टू और मोर एलिमेंट्स या कंपाउंड के आपस में मिल जाने से जो है एक मिक्सचर तैयार होता है. ओके, और ये मिक्सअप होता है इन एनी प्रोपोर्शन, इसमें कोई उसका प्रोपोर्शन जो है फिक्स नहीं होता है. सो हेयर सम एग्जाम्पल रिलेटेड टू मिक्सचर, लाइक यहाँ पर एलिमेंट्स हैं. मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि मिक्सचर बनता है एलिमेंट्स, टू और मोर एलिमेंट्स के या फिर टू या मोर कंपाउंड्स के मिलने से बनता है. ठीक है, तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है यहाँ पर, टू एलिमेंट जो है आपस में मिलकर क्या है, क्या फॉर्म कर रहे हैं, मिक्सचर, दैट इज आयरन प्लस सल्फर. ओके, बोथ आर क्या है, ये एलिमेंट. नाउ नेक्स्ट इज टू कंपाउंड्स. अब यहाँ पर जो मिक्सचर तैयार हो रहा है दैट इज बिटवीन टू कंपाउंड्स लाइक अ पोटाशियम क्लोराइड एंड वाटर, एंड देन मिक्सचर वी विल गेट पोटाशियम क्लोराइड सॉल्यूशन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज दैट इज मिक्सचर बिटवीन द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड. राइट, पहले दो एलिमेंट्स के बीच में मिक्सचर तैयार हुआ, देन कंपाउंड्स, देन अगर हम बात करें एलिमेंट एंड कंपाउंड के आपस में मिल जाने से भी एक मिक्सचर तैयार हो सकता है. ओके, लाइक एलिमेंट सल्फर कार्बन एंड कंपाउंड पोटाशियम नाइट्रेट. ओके, तो यहाँ पर देखिए एलिमेंट भी है और कंपाउंड भी है, एंड दे मेक अ मिक्सचर दैट इज गन पाउडर. ओके, अदर एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर लाइक अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर, हनी, मिल्क, पेट्रोल, एयर, स्टेनलेस स्टील, सो दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर. राइट, नाउ हेयर टाइप्स ऑफ मिक्सचर. कि यहाँ पर अब नेक्स्ट क्या बताया गया है कि मिक्सचर की टाइप्स होती हैं, वन इज द होमोजीनियस मिक्सचर एंड अदर इज अ हिट्रोजीनियस मिक्सचर. ओके, फर्स्ट इज द होमोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है मिक्सचर विच हैव द सेम कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी थ्रू आउट द मिक्सचर, अल्कोहल वाटर, सॉल्ट वाटर, शुगर वाटर, एंड शुगर वाटर मिसिबल मिक्सचर दैट इज मिक्स ईजीली. ठीक है, तो इस तरह से जो मिक्सचर होता है जिसमें जो हम एक सब्सटेंस लेते हैं, ठीक है, उनका क्या है, सेम कंपोजिशन रहता है एंड प्रॉपर्टीज होती हैं, और वो क्या हो जाते हैं, एक तरह से मिक्सअप हो जाते हैं. लाइक अगर हम शुगर को या सॉल्ट को वाटर में मिक्स करते हैं तो मिक्स होने के बाद वो डिसअपियर हो जाता है, उसमें हमें वो दिखता नहीं है. ओके, तो इस तरह का जो यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है उसे कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर. और दूसरी तरफ हम बात करें हिट्रोजीनियस मिक्सचर, मींस मिक्सचर विच हैव अ डिफरेंट कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी, जिसकी डिफरेंट कंपोजिशन प्रॉपर्टी होती है. लाइक अगर हम देखिए सैंड को अगर वाटर में डालते हैं तो हमें सैंड अलग से दिखती है एंड वाटर भी दिखता है. ठीक है, तो दैट मीन वहाँ पे कंपोजिशन क्या होगी, डिफरेंट होगी, और वो दोनों आपस में क्या है, इमिसिबल है एक तरह से. ठीक है, ऑयली और वाटर को, वाटर की बात करें तो वो भी क्या है, हिट्रोजीनियस मिक्सचर है, जिसमें हम दोनों चीज़ों को क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इमिसिबल मिक्सचर है वो. ठीक है, दे डू नॉट मिक्स ईजिली. तो इस तरह के मिक्सचर को हम कहते हैं हिट्रोजीनियस मिक्सचर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज हियर दैट इज मिक्सचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स और मिक्सचर्स कंपैरेटिव स्टडी. अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं मिक्सचर की. ओके, सो फर्स्ट इज ए कंपोनेंट इन अ मिक्सचर आर प्रेजेंट इन वेरिंग प्रोपोर्शन. की जो कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, लाइक अगर हम बात करें आयरन और सल्फर का जो मिक्सचर है, ठीक है, तो इसमें इनका जो प्रोपोर्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट रहता है. ओके, सेम प्रोपोर्शन में नहीं होता है, कई बार कुछ ज़्यादा हो सकता है, कई बार कुछ कम हो सकता है. तो इस तरह का जो मिक्सचर है जिसमें जो है क्या है, यहाँ पर प्रोपोर्शन जो है कम सब्सटेंसेस का वो डिफर रहता है, वेरिंग करता है. नाउ नेक्स्ट इज ए मिक्सचर हैव नो डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज. इनकी जो है डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होती है. ओके, लाइक कंपोनेंट दैट इज एलिमेंट एंड कंपाउंड इन अ मिक्सचर रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज. जैसे यहाँ पर आयरन और सल्फर का मिक्सचर तैयार किया गया है, आयरन सल्फर, तो यहाँ पर क्या है,
एलिमेंट्स रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोलिक एसिड टू गिव हाइड्रोजन एंड अगर इन एलिमेंट को हम डिजोल्व कर रहे हैं सल्फर में तो डिजोल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड. दैट मीन टू प्रॉपर्टी ऑफ ईच एलिमेंट्स आर रिटेन इन द मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर. ओके नाउ थर्ड पॉइंट इज हियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड. इनको फिजिकल मेथड के द्वारा भी अलग किया जा सकता है. लाइक सेम वहाँ पर एग्जाम्पल दिया है आयरन एंड सल्फर. ठीक है तो मिक्सचर ऑफ टू एलिमेंट्स आयरन एंड कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग मैग्नेट. अब देखिए आयरन है एंड सल्फर भी है तो देखिए आयरन क्या है ये मैग्नेट की तरफ क्या हो जाएगा अट्रैक्ट हो जाएगा. ठीक है तो यहाँ पर हम अगर मानो हम चाहते हैं कि आयरन को अलग करेंगे हम आयरन सल्फर के मिक्सचर से तो हमें जस्ट वहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ेगा मैग्नेट. और वो एक क्या है फिजिकल मेथड है जिससे क्या है जो भी आयरन की फिलिंग्स जो प्रेजेंट होगी उस मिक्सचर में वो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट हो जाएंगी. तो इस तरह से हम बाय यूजिंग दैट फिजिकल मेथड वी कैन सेपरेट द एलिमेंट फ्रॉम दैट मिक्सचर. ओके दैट इज आयरन. नाउ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर. यहाँ पर कंपैरेटिव स्टडी बताई गई है कि अब तीनों में डिफरेंस बताया गया है. द टर्म जो एलिमेंट है द मीट वन काइंड ऑफ एटम्स ओनली. ये जो एलिमेंट्स हैं वो एक ही एटम से मिलकर बने होते हैं बट कंपाउंड मेड अप ऑफ द टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स. ये दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के डिफरेंट एलिमेंट्स के मिलने से बनते हैं लाइक H2O या फिर आयरन सल्फाइड FeS. नाउ नेक्स्ट इज हियर दैट इज मिक्सचर. दे मेड बाय टू और मोर एलिमेंट्स और अ कंपाउंड. ये दो से ज़्यादा या दो एलिमेंट्स के मिलने से या फिर दो मिलने के दो कंपाउंड के आपस में मिलने से मिक्सचर एक फॉर्म होता है. एंड नेक्स्ट एक बात और है यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो है प्योर सब्सटेंसेस. कंपाउंड्स भी प्योर सब्सटेंसेस होते हैं एंड मिक्सचर्स आर इम्प्योर सब्सटेंसेस. ओके नेक्स्ट ईयर इज ईयर एग्जिस्टेंस. तो एग्जिस्टेंस की बात करें तो एलिमेंट जो है किससे मिलकर बने होते हैं एटम से. दे आर ऑन एटम्स. ठीक है अपने सेल्फ एटम से मिलकर बने होते हैं और जिससे ही एक एलिमेंट तैयार होता है. बट इन केस ऑफ कंपाउंड कंपोनेंट इन कंपाउंड्स प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन. जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं मींस कंपाउंड को फॉर्म करने में उनका जो प्रोपोर्शन होता है वो डेफिनेट रहता है. ठीक है लाइक H2O तो यहाँ पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो है डेफिनेट प्रोपोर्शन होगा जिससे एक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है. ओके अदर साइड हियर दैट इज मिक्सचर. तो यहाँ पे मिक्सचर जब फॉर्म होता है तो कंपोनेंट जो उसके मिक्सअप होते हैं वो एनी प्रोपोर्शन होते हैं नॉट अ फिक्स प्रोपोर्शन. ओके नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी. सो एलिमेंट हैव अ डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टी. एलिमेंट सेम एटम्स के मिलने से बना होता है तो दैट मीन उनकी जो प्रॉपर्टी है वो डेफिनेट सेट होती है. दूसरी तरफ अगर हम कंपाउंड की बात करें कंपाउंड्स तो दे हैव अ डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टी बिकॉज उनका प्रोपोर्शन क्या रहता है फिक्स रहता है. दैट्स मीन उनकी प्रॉपर्टी भी क्या है डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टी होगी. एंड लास्ट अगर हम बात करें मिक्सचर मिक्सचर्स डू नॉट हैव अ डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टी क्योंकि उसमें जो कंपोनेंट की कंपोजिशन होती है प्रोपोर्शन होता है वो डिफर रहता है. ठीक है फिक्स नहीं होता है तो दैट मीन वहाँ पर जो मिक्सचर की प्रॉपर्टीज है वो डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होगी. ओके नाउ सेपरेशन इट कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल एंड फिजिकल मेथड. इसको केमिकल मेथड और फिजिकल मेथड दोनों से हम सेपरेट किया जा सकता है एलिमेंट्स को. कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड बाय ओनली केमिकल मेथड्स. जो कंपाउंड्स हैं हम उनको केमिकल मेथड के द्वारा ही सेपरेट कर सकते हैं. एंड लास्ट इज दैट इज मिक्सचर एंड मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स ओनली राइट. एंड हियर सम एग्जांपल लाइक आयरन कॉपर एलिमेंट्स. ओके कंपाउंड्स आयरन सल्फाइड एंड कॉपर ऑक्साइड बोथ आर कंपाउंड्स. एंड लास्ट इज हियर दैट इज मिक्सचर आयरन प्लस सल्फर एंड कॉपर प्लस सिल्वर. नाउ नेक्स्ट इज मिक्सचर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर. अब मिक्सचर के जो सेपरेशन है हम किस तरह से करते हैं उसके बारे में यहाँ पर आपको बताएंगे. फर्स्ट जो है मिक्सचर मींस कि अगर सपोज सॉलिड सॉलिड मिक्सचर है तो हम उसके लिए कौन सी जो टेक्निक्स हैं जो यूज़ करेंगे. ठीक है सॉलिड सॉलिड मिक्सचर है तो उसमें हम यूज़ करेंगे सीविंग मैग्नेटिक सेपरेशन सेब्लिमेशन. ओके
ये तीन जो टेक्निक है बेसिकली हम यूज़ करते हैं सॉलिड सॉलिड मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। इनकी डिटेल भी मैं भी आपको आगे बताऊंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज यर, दैट इज सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। अब मिक्सचर कैसा है जिसमें सॉलिड भी है लिक्विड भी है? सपोज यहाँ पे अगर हम बात करें सैंड एंड वाटर की, तो सैंड क्या है? सॉलिड, एंड वाटर क्या है? लिक्विड। तो जब इस तरह का जो मिक्सचर है उसको भी सेपरेट करने की हम टेक्निक यूज़ करते हैं, और वो किस तरह का मिक्सचर है? सॉलिड लिक्विड मिक्सचर है। तो वो टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? लाइक सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन। सो दीज आर सम टेक्निक्स, आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल, बट जस्ट आई विल फर्स्ट एक्सप्लेन अबाउट वट आर द टेक्निक्स। ठीक है, अभी मैं आपको ये पूरा डिटेल में बताऊँगी, लेकिन अभी जस्ट आई विल एक्सप्लेन कि वो टेक्निक्स हैं क्या। नाउ अब हम बात करेंगे वन बाय वन। हेयर प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द सेपरेशन ऑफ सॉलिड सॉलिड मिक्सचर। अब हमने बात की थी फर्स्ट सॉलिड सॉलिड मिक्सचर की, तो जिसमें हमने टेक्निक्स कौन कौन सी यूज़ की थी? सीविंग, मैग्नेटिक सेपरेशन एंड सेब्लिमेशन, राइट? तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या यूज़ होता है फॉर सीविंग डिफरेंट इन साइड सॉलिड पार्टिकल। अब जब यहाँ पर सीविंग जब प्रोसेस टेक्निक हम यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं उनकी जो साइज़ है वो डिफरेंट रहते हैं। सीविंग बेसिकली क्या होता है, लाइक जो हम आप घर में भी देखते होंगे, आपने अपने मम्मा को करते हुए देखा होगा, जब हम आटा छानते हैं तो दैट मीन वो सीव है, जिसमें क्या होता है जो एक तरह से सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो छन्नी में रह जाते हैं और आटा जो है वो नीचे जो भी हमने कंटेनर रखा होता है उसमें आ जाता है। तो दैट मीन हमने वहाँ पर सॉलिड को सेपरेट कर लिया है। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंस इन द साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स वहाँ पे होते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें मैग्नेटिक सेपरेशन, डिफरेंस इन द मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक नेचर ऑफ द पार्टिकल्स। अब इसमें क्या है, लाइक अगर हमारे पास आयरन और सल्फर का मिक्सचर है, तो उसमें क्या है, अगर हम चाहते हैं कि आयरन को हमें उस मिक्सचर से अलग करना है, तो देन वी विल यूज़ द दैट मैग्नेट, और मैग्नेट है तो दैट मीन वहाँ पे आयरन जो है अट्रैक्ट होगा मैग्नेट की तरफ। ओके, तो वहाँ पे हम मैग्नेटिक सेपरेशन टेक्निक यूज़ करेंगे, राइट? नाउ नेक्स्ट इज सेब्लिमेशन। सेब्लिमेशन का मतलब होता है डिफरेंस इन अ सेब्लिमेबल एंड नॉन सेब्लिमेबल नेचर ऑफ सॉलिड। सेब्लिमेबल सब्सटेंसेस वो होते हैं जो कि क्या होते हैं, सॉलिड टू डायरेक्ट वेपर कन्वर्ट हो जाते हैं, बट क्या है, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो कि कन्वर्ट नहीं होते, तो उन्हें कहते हैं नॉन सेब्लिमेबल। लाइक अगर हम बात करें सैंड एंड वाटर, तो सेब्लिमेबल कौन सा सब्सटेंस होगा वहाँ पर? वाटर, क्योंकि वाटर इवेपोरेट हो रहा है, बट नॉन सेब्लिमेबल कौन है होगी? सैंड। तो इस तरह से हम सॉलिड सॉलिड मिक्सचर को अलग करने के लिए सेब्लिमेशन टेक्निक का यूज़ भी कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ए प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द सेपरेशन ऑफ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। अब देखिए यहाँ पर सॉलिड लिक्विड मिक्सचर की बात की गई है, नाउ हेयर सी पार्ट इज सेब्लिमेशन। अब सेब्लिमेशन का मतलब होता है डिफरेंस इन सेब्लिमेबल एंड नॉन सेब्लिमेबल नेचर ऑफ सॉलिड। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस होता है सेब्लिमेबल एंड नॉन सेब्लिमेबल नेचर ऑफ सॉलिड में। ठीक है, मिक्सचर तो ये सॉलिड सॉलिड मिक्सचर ही रहेगा, लेकिन इसमें सब्सटेंस कैसे होंगे, एक जो होगा सेब्लिमेबल होगा और दूसरा जो सॉलिड सब्सटेंस होगा नॉन सेब्लिमेबल होगा। ओके, लाइक सेब्लिमेबल का मतलब होता है दैट कन्वर्ट इन टू दैट सॉलिड टू वेपर फॉर्म, बट नॉन सेब्लिमेबल में कोई चेंजेस नहीं होते। ठीक है, तो इस तरह से हमें सॉलिड सॉलिड मिक्सचर में इस मेथड को भी हम यूज़ करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन सेपरेशन ऑफ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। यहाँ पे अब मिक्सचर कैसा है, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर, जिसमें एक कंपोनेंट सॉलिड होगा दूसरा लिक्विड होगा। हमने पहले क्या डिस्कस किया, सॉलिड सॉलिड मिक्सचर जिसमें दोनों कंपोनेंट क्या हैं, सॉलिड हैं। ओके, नाउ फॉर सेपरेशन ऑफ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर फर्स्ट वी विल यूज़ द टेक्निक दैट इज़ सेडिमेंटेशन या डिकेंटेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, बेसिकली कौन से प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है, सेटलिंग डाउन बाय ग्रेविटी इन सॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ड्यू टू ग्रेविटी इन सॉल्युबल जो सॉलिड पार्टिकल है वो लिक्विड में क्या होते हैं, वो हैवी होने के कारण क्या है, सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से
लाइक हम सैंड एंड वाटर है, ठीक है, तो वहाँ पर अगर सैंड क्या हैवी है और ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या है, किसी भी कंटेनर अगर हम डालते हैं तो वो हैवी होने के कारण क्या है, वो बॉटम में सेटल होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस केस से क्या है, हम एक सेडिमेंटेशन से उनको सेपरेट करेंगे। अब हमें वो क्लियर फॉर्म में दिख रहा है कि सैंड वो नीचे सेटल हो चुकी है, वाटर ऊपर अबव सैंड दिख रहा है, तो दैट मीन अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, डिकेंटेशन, मतलब उसको किसी और कंटेनर में पोर आउट कर देंगे उस वाटर को। तो इस तरह से हम वहाँ पे सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट कर रहे हैं या कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन फिल्ट्रेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल इन अ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। अब यहाँ पर फिल्टर किया जाता है बाई यूजिंग फिल्टर पेपर, जिसमें इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल जो है वो क्या है, फिल्टर पेपर पे जैसे ही हम उसको फिल्टर करते हैं तो वहाँ पर वो कलेक्ट हो जाते हैं, और रेस्ट ऑफ द जो वाटर है वो अगर दूसरा जो हमने कंटेनर हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या है, इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड कंपोनेंट इन अ सॉल्युबल सॉलिड लिक्विड मिक्सचर, कि ऐसा मिक्सचर जिसमें क्या है सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सर जो है वो मिक्सअप हो चुका है। लाइक अगर हम सॉल्ट एंड वाटर की बात करें तो सॉल्ट क्या है, मिक्सअप हो जाता है वाटर में, तो वो सॉल्युबल मिक्सचर है। तो इस केस में हम जहाँ पर जो मिक्सचर है वो सॉल्युबल है, हो चुका है, ठीक है, तो वहाँ पर हम इवेपोरेशन यूज़ करते हैं। इवेपोरेशन में क्या होता है, दैट मीन जो वाटर है इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है, वाटर फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, एंड दे गेट मिक्स इन एटमोसफियर, और जिससे हमें लास्ट में एक जो सब्सटेंस जो कंपोनेंट मिलता है दैट इज़ सॉल्ट। ओके, तो यहाँ पर हम इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं फॉर सेपरेशन ऑफ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। बट किस केस में, जब जो मिक्सचर है वो सॉल्युबल हो, ठीक है। यहाँ पर आपको ये बात बहुत याद रखने वाली है कि इवेपोरेशन हम यूज़ करते हैं फॉर सॉल्युबल मिक्सचर, एंड फिल्ट्रेशन यूज़ कर रहे हैं इनसॉल्युबल मिक्सचर, एंड सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन ऑल्सो वी विल यूज़ फॉर इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज दैट इज मिक्सचर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर सीविंग एंड मैग्नेटिक सेपरेशन। अब यहाँ पर डिटेल में बताया गया है कि ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि बेस सीविंग का जो बेसिक प्रिंसिपल है दैट इज़ डिफरेंट इन साइज ऑफ द सॉलिड पार्टिकल। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास मिक्सचर तो है बट यहाँ पर सॉलिड पार्टिकल जो है वो मिक्सअप हो चुके हैं आपस में, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि आटा है, तो आटे में भी कई बार क्या है, थोड़े से सॉलिड पार्टिकल जो है वो मिक्सअप हो जाते हैं, तो हम उसको सेपरेट कैसे करते हैं, बाई यूजिंग सीव, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ और भी एग्जाम्पल हैं, लाइक जो विल्डर होते हैं जो वो क्या करते हैं, फाइन सैंड को अलग करने के लिए या फिर क्रॉस सैंड जो है वो मिक्सअप हो जाती है। तो अगर हमें बिल्कुल फाइन सैंड चाहिए, रेत जो होती है बिल्कुल उनको क्या चाहिए, बिल्कुल फाइन चाहिए, तो उस केस में वो एक तरह से सीविंग मेथड का यूज़ करते हैं फॉर सेपरेशन ऑफ दैट सॉलिड पार्टिकल। ओके, अब टेक्निक क्या है, द लार्ज साइज पार्टिकल आर सेपरेटेड फ्रॉम द स्मॉलर फाइनर पार्टिकल बाय पासिंग मिक्सचर थ्रू अ सीव। हम यहाँ पर सीव का यूज़ करते हैं, एंड सीव हैज़ अ, अब सीव क्या चीज़ है, हैज़ अ वुडन फ्रेम, एक वुडन फ्रेम है, अ मेटल मैश एट इट्स बेस, ठीक है। यहाँ पर एक जो एक जाली सी होती है, छन्नी लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उसको हम प्लेस करते हैं उसके बेस में, एंड मिक्सचर एडिट फ्रॉम द टॉप ऑफ द सीव एंड व्हेन द लार्ज पार्टिकल स्टे अबव। अब यहाँ मिक्सचर को डाल दिया जाता है और जो लार्ज पार्टिकल हैं वो उसी छन्नी में रह जाते हैं, एंड जो उससे फाइन पार्टिकल्स हैं वो छन के वो नीचे आ जाते हैं, ठीक है। अबव द फाइन पार्टिकल कलेक्ट बिलो इट ऑन द शेकिंग सीव। हम जैसे उसको शेक करते हैं तो जिससे वो जो सॉलिड पार्टिकल है जो हैवी है थोड़े से एंड लार्ज पार्टिकल है वो क्या है, ऊपर ही रह जाते हैं। सो इन दिस वे वी कैन यूज़ दिस टेक्निक फॉर सेपरेशन ऑफ सॉलिड मिक्सचर, राइट। नेक्स्ट इज अ मैग्नेटिक सेपरेशन। अब यहाँ पे मैग्नेटिक सेपरेशन है तो नाम से ही पता लग रहा है कि मैग्नेटिक सेपरेशन मतलब हम यहाँ पर मैग्नेट का यूज़ कर रहे हैं, पर हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लाइक हमारे पास जो सब्सटेंस है कंपोनेंट्स वो हैं आयरन एंड सल्फर, ठीक है। तो आयरन क्या है, मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं, और उसमें सल्फर में नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं। अब टेक्निक हम यूज़ करेंगे, मैग्नेट पार्टिकल सच एज आयरन सेपरेटिव फॉर नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल सच एज सल्फर बाय यूटिलाइजिंग द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ आयरन
आयरन कैन अट्रैक्ट द मैग्नेट एंड सेपरेट फ्रॉम द नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, कि जैसे ही हम उस मिक्सचर में आयरन मैग्नेट को लेके जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, सल्फर एज इट इज़ रहता है एंड आयरन के जो भी पार्टिकल्स हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं मैग्नेट से. तो इस तरह से जो है हम नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस दैट इज़ सल्फर, उससे हम मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक आयरन को अलग कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज़ अबाउट मैग्नेटिक सेपरेशन टेक्निक. ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर लाइक विद द हेल्प ऑफ सब्लिमेशन एंड फिल्ट्रेशन. अब यहाँ पर क्या होता है, सेब्लिमेशन का मतलब होता है बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द सेब्लिमेबल एंड नॉन सेब्लिमेबल नेचर ऑफ सॉलिड, कि सॉलिड क्या है. ये सॉलिड सॉलिड मिक्सचर के लिए हम यूज़ करते हैं, बट इसमें क्या होता है, सेब कुछ इसमें एक सॉलिड जो होता है सॉलिड कंपोनेंट वो सेब्लिमेबल होता है और एक जो होता है नॉन सेब्लिमेबल. तो जैसे ही हम यहाँ पर ये प्रोसेस करते हैं तो इसके लिए हमें हीट करना पड़ता है. ठीक है, तो वो जो सेब्लिमेबल सॉलिड है जो कि क्या हो जाता है, सॉलिड जो डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू वेपर ऑन हीटिंग, वो कन्वर्ट हो जाता है हीटिंग. एंड जो दूसरा सब्सटेंस है जो कि नॉन सेब्लिमेबल है, जो कन्वर्ट नहीं होता है वेपर में, वो एज इट इज़ वहीं रहता है. तो दैट मीन ऑन कूलिंग दे यू गेट बैक टू प्योर सॉलिड एंड नॉन सेब्लिमेबल सॉलिड रिमेन बिहाइंड. और जिससे क्या होता है, नॉन सेब्लिमेबल जो सॉलिड है वो एज इट इज़ वहीं रहेगा. तो इस तरह से हम क्या है, बाई यूजिंग दिस टेक्निक वी कैन सेपरेट दैट मिक्सचर. एंड टेक्निक ऑफ सेपरेशन, मिक्स ऑफ द हीटिंग ऑफ इवेपोरेटिंग डिश, कवर इट द फनल प्लग एट द वन एंड विथ कॉटन, सेब्लिमेबल सॉलिड सबलाइम एंड वेपर कंडेंस इन द इनर साइड ऑफ फनल, नॉन सेब्लिमेबल सॉलिड रिमेन बिहाइंड इट्स इवेपोरेटिंग डिश. अब कैसे होता है, देखिए यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड का मिक्सर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं. जैसे ही दोनों सॉलिड हैं, जैसे ही इसको हीट किया, तो यहाँ पर क्या होता है, हम एक यूज़ करते हैं लाइक चाइना डिश, लाइक अ बाउल होता है ये, ऊपर से हम यहाँ फनल यूज़ करेंगे और उसका जो वन एंड है वो उसको हम कॉटन के साथ कवर कर देंगे. अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे हीट करेंगे तो जो सेब्लिमेबल सब्सटेंस है, यहाँ पे सेब्लिमेबल सब्सटेंस कौन है, अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड क्या है, सॉलिड टू वेपर कन्वर्ट हो जाता है और जिसके कारण वो क्या है, फनल के ऊपर ही, जब वो धीरे धीरे वहाँ पर कूलिंग, जब हम हीटिंग का प्रोसेस हटा देंगे वहाँ से, तो कूल होके वहीं पर ही कलेक्ट हो जाएगा, फनल के साइड में ही, इनर साइड पर ही कलेक्ट हो गया है वो. और जो नॉन सेब्लिमेबल सब्सटेंस है लाइक अ सोडियम क्लोराइड, वो क्या है, एज इट इज़ वहाँ पर जो है, जो चाइना डिश है उसमें रह जाता है. तो यहाँ पर हमने क्या किया है, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड को सेपरेट कर लिया है. ओके, सो इन दिस वे वी कैन यूज दिस टेक्निक फॉर सेपरेशन. ओके, सेब्लिमेशन. नाउ नेक्स्ट मेथड इज फिल्ट्रेशन. अब फिल्ट्रेशन बेसिकली जो वेस्ट होता है दैट इज़ ऑन द फिल्ट्रेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल इन सॉलिड लिक्विड मिक्सचर. अब ये जो फिल्ट्रेशन वैसे बेसिकली हम यूज़ करते हैं सॉलिड लिक्विड मिक्सचर के लिए, जिसमें एक कंपोनेंट सॉलिड है, दूसरा जो है लिक्विड है बेसिकली. और हम यहाँ पर यूज़ करते हैं वन स्पेशल पेपर दैट इज़ फिल्टर पेपर. ओके, अब देखो यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, लाइक हम फनल का यूज़ करेंगे और उस फनल को कहाँ पर प्लेस करेंगे, इस तरह से हम स्टैंड में उसको फिट कर देंगे फनल. अब देखिए यहाँ पर जार में हमारे पास क्या है, चॉक एंड वाटर का मिक्सचर है. ठीक है, तो सॉलिड है, इसमें चॉक एंड वाटर. अब बट हम इसको सेपरेट कैसे करेंगे, तो वी जस्ट प्लेस हियर दैट फिल्टर पेपर इन फनल एंड देन वी विल पोर दैट मिक्सचर इन दिस फनल. अब देखो यहाँ से हम फनल में क्या है, मिक्सचर को पोर आउट कर रहे हैं, तो जो सॉलिड पार्टिकल हैं लाइक अ चॉक, वो क्या है, इस फिल्टर पेपर में ही कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं और वाटर जो है वो सेपरेट हो रहा है. तो इस तरह से जो है हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सचर को अलग कर सकते हैं बाय यूजिंग दैट फिल्ट्रेशन मेथड. ओके, नाउ नेक्स्ट इज हियर दैट इज सेपरेशन ऑफ मिक्सचर दैट इज सेडिमेंटेशन एंड इवेपोरेशन. सेडिमेंटेशन में क्या होता है, यहाँ पे भी मिक्सचर कैसा होगा, सॉलिड एंड लिक्विड. मान लो कि हमारे पास सॉलिड लिक्विड मिक्सचर है, लाइक हम बात करें सैंड एंड वाटर, तो सैंड क्या है, सॉलिड, वाटर क्या है, लिक्विड. तो देखिए सेडिमेंटेशन का मतलब है, जैसे ये मिक्सअप हो गया है यहाँ पर, फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं सॉलिड और वाटर, तो कुछ टाइम के बाद जो है सॉलिड जो है वो सेटल डाउन हो जाता है. यहाँ पे आप देखिए सेटल डाउन हो गया है, तो इसे हम कहते हैं सेडिमेंट. ठीक है, जो सेटल हो जाता है सब्सटेंस को कहते हैं सेडिमेंट. एंड
जो लिक्विड सब्सटेंस है वो ऊपर जो है यहाँ पर हमें अलग से दिखता है। देन हम क्या करेंगे, अब देखिए इसको जो ये मिक्सचर है सॉलिड सेटल डाउन, इस मिक्सचर को हम क्या करेंगे दूसरे कंटेनर में पोर आउट करेंगे, और जिसके बाद क्या होगा जो लिक्विड है धीरे धीरे अलग दूसरे कंटेनर में आ जाता है, और जो सॉलिड पार्टिकल है जो सेटल है ऑलरेडी उस पहले वाले कंटेनर में वो वहीं पर रहता है। तो इस तरह से हम आफ्टर सेडिमेंटेशन जब सेटल हो जा रहा है कोई सॉलिड पार्टिकल, देन आफ्टर वी विल यूज़ दिस नेक्स्ट टेक्निक दैट इज़ डिकेंटेशन। मतलब डिकेंटेशन जो है सेडिमेंटेशन के बाद ही की जाती है। तो इन दिस वे वी कैन सेपरेट दैट सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सचर। ओके, टेक्निक यहाँ पर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नाउ नेक्स्ट टेक्निक, टेक्निक ऑफ सेपरेशन जो है यहाँ पर भी वही बताई गई है, लाइक इनसॉल्युबल कंपोनेंट इन अ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर सेटल डाउन स्टैंडिंग इन बीकर एंड पोर आउट एंड देन प्रोसेस पोरिंग आउट लिक्विड सच अ सॉलिड रिमेन बिहाइंड दैट इज कॉल्ड डिकेंटेशन। ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लाइक कई बार क्या होता है कि सेडिमेंटेशन जो है वो प्रॉपर वे में नहीं होती है, ठीक है, जो लाइक जो सॉलिड पार्टिकल हैं वो प्रॉपर वे में जो सेटल नहीं हो पाते हैं, तो ड्यूरिंग दिस कंडीशन वहाँ पर क्या किया जाता है, अल्म को मिक्स किया जाता है। अल्म लाइक फिटकरी, वो क्या करता है कि जो वहाँ पर सॉलिड सब्सटेंस है उसको सेटल होने में हेल्प करता है। कैसे करता है, क्योंकि पहले जो वो सॉलिड पार्टिकल हैं वो थोड़े से लाइटर होते हैं, जैसे हम अल्म उसमें मिक्स करते हैं उनका जो वेट है थोड़ा सा हैवी हो जाता है, और हैवीनेस के कारण वो धीरे धीरे क्या है वो बॉटम में सेटल हो जाते हैं, लाइक अ पिक्चर में आप देख सकते हैं, एंड आफ्टर दैट फाइनली जो है वो सेटल हो जाते हैं, और देन आफ्टर वी कैन सेपरेट बाय द यूजिंग दैट डिकेंटेशन मेथड। ओके, तो यहाँ पे अल्म का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, किस केस में, जब जो सॉलिड पार्टिकल है प्रॉपरली सेटल नहीं हो पाते हैं, थोड़े से लाइट होने के कारण वो थोड़े तैरते रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम अल्म का यूज़ कर करके क्या है ये प्रोसेस कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रोसेस दैट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर के लिए हम यूज़ करते हैं, और इसमें इवेपोरेशन में बेसिकली हम जो है मिक्सचर को हीट करते हैं। ओके, अब यहाँ पे टेक्निक कैसे यूज़ करेंगे सॉल्यूबल्स, अब ये जो है टेक्निक बेसिकली यूज़ होती है सॉल्यूबल सॉलिड के लिए, लाइक अगर हम बात करें कि सॉल्ट अगर मिक्स हो चुका है वाटर में, तो हमें सॉल्ट एंड सॉल्ट को जो है उस वाटर से अलग करना है, तो हम कैसे करेंगे। ओके, तो सॉल्यूबल सॉलिड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स लिक्विड कंपोनेंट बाय अलाउइंग लिक्विड कंपोनेंट टू इवेपोरेट। फर्स्ट हम क्या करेंगे, उस लिक्विड कंपोनेंट को इवेपोरेट करेंगे बाय हीटिंग, एंड ड्यूरिंग इवेपोरेशन लिक्विड कंपोनेंट लॉस्ट टू द एटमॉस्फेयर, क्योंकि उसमें इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगा, वो वेपर कन्वर्ट, मतलब जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जिसके कारण वो एटमॉस्फेयर में मिक्सअप हो जाएगा, एंड देन लास्ट में क्या रह जाता है जो सॉलिड पार्टिकल है लाइक अ सॉल्ट। तो हम इस तरह से बाय यूजिंग दैट इवेपोरेशन प्रोसेस टेक्निक फॉर सॉल्यूबल मिक्सचर दैट इज ऑफ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। ओके, सो दिस इज अबाउट सम टेक्निक्स जो कि हम यूज़ कर सकते हैं फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। ओके,